यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आज से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सड़क, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों जैसे मसलों पर मुद्दे गरमाएंगे। तबादलों, अवैध खनन, बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें सड़कों की स्थिति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, पेयजल आपूर्ति और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और इससे निपटने के उपाय और परिवहन व्यवस्था आदि जैसे प्रमुख मुद्दे रखे जाएंगे। वर्तमान सरकार के दूसरे शीतकालीन सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। आपको बता दें इस दौरान दोनों पक्ष के सदस्य की ओर से कुल 437 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 340 तारांकित और 93 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। 13 दिसंबर का दिन और सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। कुल 340 तारांकित प्रश्नों में से 179 प्रश्न ऑनलाइन और 155 प्रश्न ऑफलाइन शामिल है। तो आपको बता दें विपक्ष और सरकार आमने सामने होगी और जिसमें अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। महंगाई, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।